नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम क्रमशः इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र टॉपिक का अध्ययन किया और दूसरे वाले वीडियो में हमने क्रमशः राजनीति विज्ञान की अंतःअनुशासनात्मक पद्धति या एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में शक्ति एक अवधारणा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं शक्ति, सत्ता और वैधता। इन तीन अवधारणाओं को लिखा हुआ है, अतः आज के वीडियो में हम शक्ति का अध्ययन करेंगे। मैं सामान्य रूप से आपसे पूछना चाहता हूं कि शक्ति किसे कहते हैं। चूंकि आप बोलकर अभी जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इसका जवाब मुझे ही देना होगा। और 90% विद्यार्थी शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सर, शक्ति का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को डराना, पीटना, धमकाना, उसके साथ गलत व्यवहार करना। तो इस शब्द से यह अर्थ निकालना एक नकारात्मक अर्थ की ओर जाता है। अतः दूसरे व्यक्ति को डराना, धमकाना और उससे काम में लेना, ये बल कहलाता है। और बल भी एक प्रकार है शक्ति का। और इस तरह की जो शक्ति है, इस तरह का जो बल है, वह जानवरों में होता है, क्योंकि जानवरों के अंतर्गत बुद्धि नहीं होती। और जो विवेकहीन प्राणी हैं, वे बल का प्रयोग करते हैं, न कि शक्ति का। अतः जहां बल का प्रयोग किया जाता है वहां शक्ति नहीं होती। अगर होती भी है तो उसे बल के नाम से जाना जाएगा या पार्श्विक शक्ति के नाम से जाना जाएगा। विद्यार्थियों, पार्श्विक शक्ति या बल शक्ति का एक प्रकार है, शक्ति की एक परिभाषा नहीं। दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी क्लास में पढ़ने आते हैं और उस क्लास का आनंद लेते हैं, फिर दूसरे दिन उन विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ जाती है। शुरू के दिन में 50 विद्यार्थी आए, दूसरे दिन 54 विद्यार्थी आए और तीसरे दिन 60 विद्यार्थी आ जाते हैं। तो एक प्रश्न सामान्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में आता है कि विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर क्या शक्ति है, क्या बल है, क्या प्रभाव है?
इन तीनों में से एक है, लेकिन जवाब आपके सामने अभी तक तैयार होने की स्थिति में नहीं हुआ है, क्योंकि आपको शक्ति की परिभाषा गलत अर्थ में याद है। विद्यार्थियों, एक शिक्षक के सामने विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः बढ़ती हुई जा रही है, तो ऐसा उस शिक्षक का प्रभाव है, न कि उस शिक्षक की शक्ति है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डरा धमका कर काम ले रहा है तो वह हुआ बल। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या व्यक्तियों से प्रभाव स्थापित करके काम ले रहा है या उनके ऊपर कुछ ऐसा मंत्र डाल रहा है कि वे उसके भक्त बनते जा रहे हैं, तो यह है प्रभाव। तो शक्ति क्या हुई, यह फिर प्रश्न हमारा वही रह जाता है। अतः शक्ति का अर्थ है बल प्लस प्रभाव, अर्थात पार्श्विक शक्ति प्लस प्रभाव राजनीतिक शक्ति कहलाती है। अब और हम दुविधा में पढ़ते जा रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति या शक्ति के अंतर्गत बल भी है और प्रभाव भी है। जानवर जैसी शक्ति उसके पास है प्लस लगातार संख्या बढ़ाने का उसमें गुण भी है, उसमें प्रभाव भी है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जानवरों की शक्ति रखता है, पीड़ता भी है और प्रभाव भी रखता है, उसी को हम राजनीतिक शक्ति कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लें तो हमारी राजनीतिक शक्ति की परिभाषा एक निखार के रूप में हमारे समक्ष आएगी। विद्यार्थियों, राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति का, संस्था का या राज्य का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है और अपने अनुकूल काम करवाता है। अर्थात राजनीतिक शक्ति वह बल है जिसमें क्रूरता नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता और उसमें प्रभाव शामिल होता है। बिना पीटे अपना काम करवाने का गुण शक्ति कहलाता है। नहीं पीटना इसका अर्थ कायरता नहीं है, इसका अर्थ है पीट सकते हैं, बात मनवा सकते हैं, लेकिन हम विवेकशील प्राणी हैं, इसलिए किसी को पीट कर नहीं समझा कर काम लेना चाहते हैं। अतः विद्यार्थियों, शक्ति की परिभाषा आज के वीडियो में आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे, फिर भी मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। शक्ति वह गुण है जिसमें बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं और जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके अपने हिसाब से काम लेता है। शक्ति की परिभाषा ये सार्वभौमिक परिभाषा है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से शक्ति को परिभाषित किया है। सॉरी,
जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रॉबर्ट वायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह है परिभाषा जो राजनीतिक समीक्षक रॉबर्ट वायरस्टेड ने दी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शक्ति एक प्रकार का बल है, लेकिन उस बल का प्रयोग नहीं है। मैंने जिस पार्श्विक शक्ति को आपको समझाया था, उसको रखते हुए अपना काम करवा लेना, न कि उसका प्रयोग करते हुए अपना काम करवा लेना, इस गुण को राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। और लॉसवेल ने कहा है, राजनीति विज्ञान प्रभाव एवं प्रभावशालिता का विज्ञान है। इसी क्रम में मार्गेंथाउ ने शक्ति के महत्व को बताते हुए कहा है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की राजनीति है। अतः शक्ति राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवधारणा या बिंदु है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम शक्ति के प्रकार और इसका महत्व को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।